आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरी स्क्रैप बुक का शीर्षक है राष्ट्रगान। तो आइए राष्ट्रगान के बारे में कुछ आवश्यक सूचनाएं पढ़ते हैं। इस पेज पर मैंने राष्ट्रगान लिखा है। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पर मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर चिपकाई है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता नोबेल पुरस्कार प्राप्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारतो भाग्यो विधाता से ली गई हैं। राष्ट्रगान के बोल और धुन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार की। कुछ रोचक तथ्य। राष्ट्रगान में जय शब्द का 10 बार प्रयोग किया गया है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड निर्धारित की गई है। टैगोर जी ने गीत के कुल 5 छंद लिखे थे। पहले छंद को ही भारत के राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। 11 सितंबर 1942 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में पहली बार भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगणमन को आज़ाद हिंद फौज ने गाया था। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात 14 अगस्त 1947 की रात को पहली बार संविधान सभा का समापन इसी राष्ट्रगान के साथ किया गया था। जनगणमन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक भारत विधाता रखा गया था। राष्ट्रगान बनने से पहले ही देहरादून के प्रसिद्ध द दून स्कूल ने जनगण मन गीत को अपना आधिकारिक गीत बना रखा था। ७५ से पहले फिल्म के बाद सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाने की परंपरा थी, लेकिन 1975 में सिनेमाघरों में फिल्म्स के पहले या बाद में राष्ट्रगान बजाने पर रोक लगा दी गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाना फिर से अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रगान का लघु संस्करण। भारत के राष्ट्रगान के लघु संस्करण में केवल पहली और अंतिम पंक्ति आती है। राष्ट्रगान के लघु संस्करण को कई सारे राष्ट्रीय अवसरों पर गाया जाता है। राष्ट्रगान के लघु संस्करण को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। ये है कुछ बिंदु जब हमें राष्ट्रगान को गाना या बजाना चाहिए। धन्यवाद। रिदम सैनी, कक्षा 6।